आज दे इस वीडियो दा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स जिन्हों आप डायमेंशनल एनालिसिस भी कहने हैं। अपने को ले सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होंदिया हैं जिन्हों के नाल आप किसी भी क्वांटिटी दे यूनिट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये सब बेसिक क्वांटिटीज दे यूनिट्स उन्होंने सामने लिखे गए हैं। मास दे यूनिट्स हैं किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम दे यूनिट्स होंगे हैं सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट दे यूनिट होंगे हैं एम्पीयर्स, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला। अपन कुछ यूनिट्स या वैल्यूज जब आप यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो कॉमनली छोटे होंगे तो याद ही हैं, जिमें 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स जिन्हों आप 10^3 ग्राम्स की शक्ल च भी लिख सकते हैं, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हूँ जोड़े ये प्रीफिक्स लगाए गए हैं यूनिट के अगे, लाइक किलो लगाया गया है ग्राम के अगे किलोग्राम बन गया, या मीटर के अगे सेंटी लगाया गया है सेंटीमीटर बन गया। इन प्रीफिक्स के नाल आप यूनिट की वैल्यू दे विच आने वाली चेंज नू इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिमें जे 10^-1 है तो प्रीफिक्स आप डेसी स्मॉल डी दे नाल रिप्रजेंट करते हैं वो लगाने हैं, जे आप प्रीफिक्स सेंटी यूज कर रहे हैं तो दैट विल मीन 10^-2। मिलीमीटर का मतलब होएगा या मिलीग्राम का मतलब होएगा 10^-3 मीटर या 10^-3 ग्राम्स। माइक्रो का मतलब होएगा 10^-6। 10^-6 नो आप 1/10^6 की तरह भी समझ सकते हैं। 10^-9 का मतलब है नैनो, और 10^-12 डिपिक्ट करता है पिकोनो। जिहड़े बिगर यूनिट्स हैं जिमें 10 × 10 तो उत्ते आप वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स डेका। 10^2 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है हेक्टो, 10^3 के लिए किलो, 10^6 इज रेड एज मेगा, 10^9 नू आपां गीगा, और 10^12 नू आपां टेरा दे नाल प्रीफिक्स दे नाम नाल जानते हैं। यूनिट कन्वर्शन दे लिए जूनियर क्लासेस दे विच कुछ इस तरीके का मेमोरी टिप तुहानू शायद सारे नू याद ही होएगा। किरण हैड डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किरण दे के तो किलो और हैड तो आपा हेक्टो, डाइड भी डी तो डेका, ड्रिंकिंग तो डेसी, चॉकलेट तो सेंटी, मिल्क तो मिली। इन वर्ड्स के नाल आपां नूं मेमोरी टिप दे दिता जांदा सी ते दस्या जांदा सी कि जिन्ने स्टेप आपां कन्वर्शन दे लिए मूव करना है उन्हें आप 10^2 करके मल्टीप्लाई कर देवे। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर तो आप डेसीमीटर तक पहुँचना है, 1, 2, 3, 4 स्टेप आए तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^4 डेसीमीटर। जिन्ने स्टेप है उन्हें आप रेस टू पार कर देना। जे आप एक डेकामीटर तो मीटर तक पहुँचना है तो किन्ने स्टेप मूव कर रहे हैं, जस्ट 1। तो 1 decameter इज इक्वल टू 10 meters। जे आप हेक्टोमीटर तो सेंटीमीटर तक पहुँचना है, हेक्टो तो आप सेंटी तक पहुँचना है, किन्ने स्टेप मूव कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो 1 hectometer इज इक्वल टू 10^4 centimeters। और जे आप स्मॉलर यूनिट तो बिगर यूनिट वल जाना है, सेंटीमीटर तो आप हेक्टोमीटर वल जाना है, तो आप 10^5 जी पावर करते हैं उनका इनवर्ट्स नैगेटिव साइन लेंगे उनका। सो 1 centimeter इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 स्टेप्स अपन मूव करने पे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो अपनी पावर जी है वो नैगेटिव च हो जाएगी। सपोज आप 1 millimeter इज इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर्स देखना है तो आपू 1, 2, 3, 4 स्टेप मूव करने पै रहे हैं। सो 1 millimeter इज इक्वल टू 10^-4 डेकामीटर्स। बट हूँ जी अपने को यूनिट्स के प्रीफिक्सेस हैं वो अपने को काफ़ी वाइड वरायटी आ जाती है यूनिट्स के, कितने तो अपने को
टेन द गैप है तो कितने अपने को डायरेक्टली 10^3 का गैप है। सो आप कन्वर्ट करन दे लई यूनिट्स में चाहे आप स्मॉलर टू बिगर जाना है चाहे बिगर टू स्मॉलर जाना है आप एक कन्वर्शन फैक्टर जिन्हों आप यूनिट फैक्टर भी कहने हैं उनके नाल आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वट इज़ दिस यूनिट फैक्टर? यूनिट फैक्टर का मतलब होंगे है कि किसी भी सिंपल रिलेशन तो वन की टर्म च आप वैल्यू कर लेंगे। जिमें अपन पता है 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। सो जे आप इना यूनिट फैक्टर लिखना चाहिए तो दो तरीकों के नाल लिख सकते हैं 100 centimeter अपॉन 1 meter इज इक्वल टू 1 या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 meter अपॉन 100 centimeter इज इक्वल टू 1। यूनिट फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इनू आप कन्वर्शन फैक्टर के नाम नाल जानते हैं और इनू आप मल्टीप्लाई करते हैं जो आप कोई भी यूनिट चेंज करना है कन्वर्ट करना है किसी दूसरे यूनिट के विच। यूनिट फैक्टर टेक्निक के नाल आपां सिंपल कन्वर्शंस करने की कोशिश करते हैं। पहली क्वेश्चन है अपना इतने कन्वर्ट 30.6 meter इंटू सेंटीमीटर। आप मीटर नू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। पहले एक उन्होंने सिंपल स्टैंडर्ड रिलेशन लिखना है 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। तो आप कन्वर्शन फैक्टर लिखना है यूनिट फैक्टर लिखना है। यूनिट फैक्टर लिखते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखना है हमेशा कि जेड़े यूनिट आपू पूछे गए हैं डिजायर्ड यूनिट है जेड़े आप कन्वर्ट जिन्हें विच करना है उन्होंने आप न्यूमरेटर च रखना है। सो 100 centimeter अपॉन 1 meter ये अपना डिजायर्ड कन्वर्शन फैक्टर बन गया। सो आप 30.6 meter जो 1 नाल मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पैना 1 की वैल्यू कि लवेंगे आप 100 centimeter अपॉन 1 meter। मीटर मीटर के नाल कैंसल आउट हो गया और न्यूमेरिकली अपने को वैल्यू आ जाती है 3060.0 centimeter। यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर। सो कन्वर्शन हैज़ बीन मेड 30.6 meter कम्स आउट टू बी 3060 centimeter। एक होर एग्जाम्पल लेने हैं जिसे आप कन्वर्शन फैक्टर लिखना सीख रहे हैं। कन्वर्ट 56 grams इंटू किलोग्राम्स हूँ अपने डिजायर्ड यूनिट है किलोग्राम। सो अपना न्यूमरेटर दे विच किलोग्राम लाना है। सिंपल रिलेशन 1 kilogram इज इक्वल टू 1000 gram जो तो कन्वर्शन फैक्टर बनाना है तो किलोग्राम ऊपर लवेंगे तो 1000 gram डिनोमिनेटर पर लवेंगे। 56 gram जो 1 नाल मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पैना 1 की जगह पर आप कन्वर्शन फैक्टर लिख देवे 1 kilogram अपॉन 1000 gram। ग्राम के नाल ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा 56 upon 1000 और यूनिट्स जेड़े अपने डिजायर्ड यूनिट पिछे बच जाएंगे एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.056 kilogram। सो वी कैन से 56 gram इज इक्वल टू 0.056 kilograms। आई एम रिपीटिंग वंस मोर दैट कन्वर्शन फैक्टर इज 1 ऑलवेज। इनू आप यूनिट फैक्टर भी कहने हैं और जो भी आप कन्वर्शन फैक्टर लिखना है तो जो अपना डिजायर्ड यूनिट है दैट शुड बी इन न्यूमरेटर। हम आप एक एग्जाम्पल लेने हैं 0.056 kilogram जो आप ग्राम्स के विच कन्वर्ट करना है तो अपने को रिलेशन 1 kilogram इज इक्वल टू 1000 gram है। आप इनका दो तरीके नाल कन्वर्शन फैक्टर लिख सकते हैं। एक कन्वर्शन फैक्टर के विच ग्राम्स नू उपर ले लिया तो दूसरे विच आप किलोग्राम्स नू न्यूमरेटर के विच ले लिया। हम इन दोनों के विचों आप वाला कन्वर्शन फैक्टर प्रेफर करांगे। क्यों? क्योंकि साडे डिजायर्ड यूनिट ग्राम्स है। डिजायर्ड यूनिट नू असीं न्यूमरेटर च इस कन्वर्शन फैक्टर च रखा है। तो 0.056 kilogram मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्शन फैक्टर 1000 gram अपॉन 1 kilogram। किलोग्राम के नाल किलोग्राम कैंसल आउट हो गया और जो 0.056 में 1000 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट कम्स आउट टू बी 56 और यूनिट केड़ा अपने को लेते ग्राम्स। सो कन्वर्शन
is done, 0.056 किलोग्राम बिकम्स इक्वल टू 56 ग्राम। हुण जे आपां किसे कन्वर्शन दे विच सपोज स्टैंडर्ड यूनिट तो दो ऑपोजिट साइड पे जाना है तो उदो अपनी जिहड़ी कन्वर्शन है वो दो स्टेप्स दे विच होएगी। किवें? क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.50 किलोमीटर क्यूब इनटू लीटर। लीटर का मतलब की होता है डेसीमीटर क्यूब या इनू आपां क्यूबिक डेसीमीटर भी कह सकते हैं। सो किलोमीटर तो आपां डेसीमीटर तक जाना है। मीटर की एक साइड पे किलो है तो दूसरी साइड पे डेसी है। आपां पहला किलो तो मीटर तक पहुंचांगे ते मीटर तो फिर डेसीमीटर तक जाऊंगे। सो अपने दो स्टेप्स बन जाएंगे। स्टेप वन जिन्हें च आपां किलोमीटर क्यूब नू मीटर क्यूब च कन्वर्ट करांगे और स्टेप टू जिन्हें च आपां मीटर क्यूब नू डेसीमीटर क्यूब च कन्वर्ट करांगे। सो किलोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^3 मीटर। कन्वर्शन फैक्टर आपां बनाना है, आपां नू मीटर डिजायर्ड यूनिट जिहड़ा है वो न्यूमरेटर च चाहिदा है। सो डिजायर्ड यूनिट न्यूमरेटर दे विच रख के अपना कन्वर्शन फैक्टर बनता है 10^3 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। 1.5 क्यूबिक किलोमीटर में कन्वर्शन फैक्टर के नाल मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि किलोमीटर का इतने क्यूब किया हुआ है, कन्वर्शन फैक्टर का भी क्यूब करना पड़ेगा अपन। तो किलोमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और इतने न्यूमेरिक वैल्यू का भी क्यूब होएगा और यूनिट का भी क्यूब होएगा 10^9 मीटर क्यूब। सो अपने को वैल्यू आ जाती है 1.50 इंटू 10^9 मीटर क्यूब। हम अपना सेकेंड स्टेप शुरू होएगा मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब वैल्यू। 1.50 इंटू 10^9 मीटर क्यूब में आप डेसीमीटर क्यूब च बनाना है तो अपना जरा रिलेशनशिप है दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। इनका कन्वर्शन फैक्टर डिजायर्ड यूनिट है अपना डेसीमीटर वो न्यूमरेटर च आ जाएगा। सो कन्वर्शन फैक्टर बनेगा 10 डेसीमीटर अपॉन 1 मीटर। इतने यूनिट का क्यूब होने करके कन्वर्शन फैक्टर का भी क्यूब करेंगे। तो आप जो ब्रैकेट खोलते हैं तो मीटर विल बिकम मीटर क्यूब, डेसीमीटर विल बिकम डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब भी मीटर क्यूब में कैंसलेशन हो जाएगी और 10^9 के विच 3 ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 10^12। सो यूनिट लेफ्ट आउट हेयर इज डेसीमीटर क्यूब। तो आप आंसर दे विच कह सकते हैं 1.50 इंटू 10^12 डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर्स। सो कन्वर्शन हैज बीन मेड एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1.50 इंटू 10^12 लीटर्स। जदों आपां किसी स्टैंडर्ड यूनिट पे पॉजिटिव और इनवर्स साइड छोटिया वैल्यूज वाल जाना है तो आपां कहने कि बड़ी तो छोटी या छोटी तो बड़ी दे विच जाना तो दो स्टेप होंगे। पहला स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा फिर दूसरी तरफ। तो जे हुण इक्को साइड पे दोनों यूनिट्स हों तो आपां उन्हां दे विचकार कन्वर्शन करनी होवे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 2.56 नैनोमीटर इंटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होंगी है 10^-10 मीटर और नैनोमीटर की वैल्यू होंगी है 10^-9 मीटर। दोनों ही नेगेटिव पावर्स दे विच हैं। नैनोमीटर तो एंगस्ट्रॉम तक भी आप कन्वर्शन करनी है तो अपनी जी कन्वर्शन है नैनोमीटर तो मीटर वन पहले स्टेप और फिर मीटर तो एंगस्ट्रॉम दे विच दूसरे स्टेप। ये दो स्टेप्स लगेंगे ता कन्वर्शन जो है पॉसिबल होगी। सो फर्स्ट स्टेप बिकम्स नैनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो कन्वर्शन फैक्टर किस तरह बनेगा कि डिजायर्ड यूनिट शुड बी इन न्यूमरेटर। सो मीटर रिक्वायर्ड है अपन नु तो आप इनू न्यूमरेटर च ले लिया 10^-9 मीटर अपॉन 1 नैनोमीटर अपना कन्वर्शन फैक्टर बन गया। 2.56 नैनोमीटर नू आप इस कन्वर्शन फैक्टर के नाल मल्टीप्लाई कर देनी है। नैनोमीटर के नाल नैनोमीटर कैंसल आउट हो जाता है और अपने को 2.56 इंटू 10^-9 मीटर्स ये आ जाएगा। हूँ आप मीटर नू एंगस्ट्रॉम च कन्वर्ट करना है, सेकेंड स्टेप करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर।
ਸੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ 10⁻¹⁰ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ 2.56 × 10⁻⁹ ਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ ਔਰ ਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10⁻¹⁰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10⁻¹⁰ ਔਰ −9 ਔਰ +10 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 10 2.56 × 10 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 25.6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਇਜ ਡਨ ਦਿਸ ਵੇ ਫਰੋਮ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂਪੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਇਜ਼ 5.96 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। Convert the density into SI units of density, that is kilogram per meter cube. Hun apa gram nu kilogram per centimeter cube nu per meter cube de vich convert karna. Gram is to be converted into kilogram, per centimeter cube is to be converted into per meter cube. Hun desired unit hai apna kilogram, so conversion factor ki banega 1 kilogram upon 1000 gram. Hun apa ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 5.96 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5.96 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਪੋਨ 1000 ਗ੍ਰਾਮ multiplied by 100 centimeter upon 1 meter. So, kyunki itne centimeter cube per centimeter cube hai, te is karke apa inda bhi cube karange. So, 1 meter cube jodo upar jayega, so that will be per meter cube. Centimeter cube jada hai, wo centimeter cube de naal cancel out ho jayega, gram gram de naal cancel out ho jayega and we are left with the किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट्स। और वैल्यू जी है 5.96 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ बन जाएगा, तो अपने को न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है 5.96 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि थानू हूँ यूनिट कन्वर्शन के दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम होर ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।